नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मुंह खोलने के दो उपाय के बारे में। पहला उपाय उनके लिए है जो कि दवाई में बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं या आर्थिक स्थिति से ऐसे कमजोर हो चुके हैं कि वो दवाई का उनका खर्च चलाना ही मुश्किल हो रहा है, तो दवाई का खर्च कहां से उठा पाएंगे। सरकारी अस्पताल में भी अगर जाते हैं तो उनको कई बार दवाइयां बाहर की लिख के दे दी जाती हैं, ट्रीटमेंट तो वहां फ्री हो जाता है लेकिन दवाइयां खरीदनी ही पड़ती हैं जो कि काफी महंगी होती कॉस्टली होती हैं। तो उनके लिए मैं उपाय बताने वाला हूं। और दूसरा उपाय उनके लिए है जो लोग आर्थिक स्थिति से सही हैं और अपने इलाज करा सकते हैं, कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं दवाई बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसका ट्रीटमेंट लेने से पहले गुटखा सुपारी तम्बाकू पूरी तरीके से बंद करनी होगी। कई ऑडियंस के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कई लोग बोलते हैं सर मैं गुटखा खाता हूँ, मेरे गुटखा खाने की आदत छूट नहीं रही है और मैं ये ट्रीटमेंट भी चालू कर लेता हूँ और इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों मेरा ऐसे पेशेंट से यही कहना है कि अगर आप गुटखा सुपारी तम्बाकू नहीं छोड़ सकते हो तो ट्रीटमेंट लेने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब आप बरसों से गुटखा खा रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो, सुपारी खा रहे हो तो एकदम से ये आदत नहीं जाती है, लेकिन इसके लिए आप अपना टारगेट बना दीजिए। चलिए एक महीने के लिए मान लीजिए कि एक महीने आप गुटखा और खाएंगे, लेकिन अगला एक महीना आपका इस तरीके से होना चाहिए कि हमको अगले एक महीने में गुटखा छोड़ना है। अगर आप 10 गुटखा खाते हैं तो आप 9 करें, कुछ दिन बाद 8 करें डेली, फिर 7 करें, फिर 6 करें, फिर 5 करें, इस तरीके महीने भर में इसको एक गुटके से लेकर 0 तक ले आए। इस तरीके से आपको गुटखा खाएं चाहे सुपारी खाएं चाहे तंबाकू खाएं, इस तरीके से आपकी आदत छूटेगी। जैसे सुपारी भी आप कई बार खाते हैं या तंबाकू कई बार खाते हैं तो उसी तरीके से आपको धीरे धीरे इसको छोड़ना है और एक महीने में टारगेट बना लें कि हमें छोड़ना है और उसके बाद आपको अपना ट्रीटमेंट चालू करना है। तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो कि दवाई खरीदने में सक्षम नहीं है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहला उपाय है हल्दी। शुद्ध हल्दी आप मार्केट से ले लें, कई चक्की वाले पीसते भी हैं और कई अगर नहीं मिलती आपको शुद्ध हल्दी तो आप खड़ी हल्दी को खरीद लें मार्केट से और उसको धोकर सुखा लें और सुखाने के बाद उस हल्दी को पीस लें। पीसने के बाद इसका हल्दी का पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल महीन महीन हल्दी हो जाएगी। तो उसके बाद उसको चौथाई चम्मच हल्दी आधे कप गुनगुने पानी में आपको सुबह पीनी है खाली पेट। आप इसको लगातार करते रहिए और उसके साथ साथ जो शुद्ध हल्दी है उसमें थोड़ा सा आप शहद मिला सकते हैं या थोड़ा सा घी मिला सकते हैं या तो खाने वाला नारियल तेल भी मिला सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी का जरा सी हल्दी हो और उसमें आप उसको पेस्ट बना लें और माउथ में जहां जहां पे आपका जकड़न दर्द सूजन वगैरह रहती है, माउथ जहां से कम खुलता है खासतौर पे पिछले हिस्से में, जबड़े के पिछले हिस्से में, वहां पर उस पेस्ट को धीरे धीरे से लगा दें। गाल पे भी लगा सकते हैं और क्रिसमस पे लगा सकते हैं, मुकोजा पे लगा सकते हैं और उसके बाद इसको लगाने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको थूक दीजिए। थूकने के बाद आपको है इसको कुल्ला नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है और उसके बाद आपका रूटीन जो रहता है एक्सरसाइज वगैरह करने का वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसको आप सुबह और दोपहर में कर लें, शाम को भी कर ले सकते हैं और रात में एक बार और है कि सोने से पहले आप इसको हल्दी के पेस्ट को आप लगा लें 10 मिनट के लिए और उसके बाद थूक दें, फिर उसका कुल्ला नहीं करना है, सो जाना है और सुबह के टाइम उठकर फिर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज इसमें रहती है सुबह दोपहर शाम को आप करें, थोड़ी देर शुरू में आप 5 मिनट से एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करें, उसके बाद 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते इसको महीने भर में 20 मिनट 25 मिनट तक ले जाएं। दिन में 3 बार एक्सरसाइज लगातार कंटिन्यू करें, जिसमें 4 चम्मच एक्सरसाइज है, बैलून फुलाने की एक्सरसाइज है, जबड़े की एक्सरसाइज है, मुंह में हवा भरने और छोड़ने की एक्सरसाइज है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, करते भी रहें। तो इसमें आपका देखें कितना आपको फायदा होने वाला है, आपको इसका असर है पहले हफ्ते में दिख जाएगा, लेकिन ये सब है आप ट्रीटमेंट आप 4-5 महीने के लिए लगातार कर लें, कोई कारण नहीं आपको मौत न खुले। इसके साथ साथ कई लोग हल्दी पाउडर नहीं खा सकते हैं जो कि पैसा खर्च सकते हैं, तो आज मैं उनको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जो कि हल्दी की गोली होती है, इसका नाम है स्नैक 30। ये शुद्ध कर्क्यूमिन शुद्ध हल्दी होती है, इसको आप गुनगुने पानी के साथ सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें मात्रा कभी कभार कम भी लेनी पड़ सकती है, कभी कभार ज्यादा भी लेनी पड़ सकती है, ये लंबे समय तक नहीं लेना है आपको। इसके लिए आपकी फिजिकल कंडीशंस कैसी है, इसके लिए आप अपने नजदीकी आयुर्वेदाचार्य नजदीकी डॉक्टर से आप राय ले लें,
क्योंकि आप डायरेक्ट ही हल्दी का गोली अगर सेवन करना चालू करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हल्दी का काम होता है खून को पतला करने का, पित्त को उत्तेजित करने का। ये एंटीबैक्टीरियल भी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके डॉक्टर की सुपरविजन में यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इसमें। दोस्तों इसके बारे में अपनी फिजिकल स्थिति के अनुसार अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिजिकल स्थिति को बताते हुए कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।